तो ये है ऑल इन वन कार्ड रीडर, जो कि आप इसको कार्ड हब भी बोल सकते हैं, जो कि USB 3.0 को सपोर्ट करता है। और इसमें खास बात ये है, जैसे कि आपने यूज़ करे होंगे सस्ते वाले USB कार्ड रीडर वगैरह, वो सभी जो है वो आपके कभी ना कभी ख़राब हो ही जाते हैं, लेकिन ये ब्रांडेड है और अच्छी क्वालिटी में आपको देखने को मिलता है और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। किसी भी तरह का कार्ड इसमें लगा सकते हो। तो इसमें वायर लेंथ जो आपको देखने को मिलेगी वो 0.5 मीटर देखने को मिलेगी, और जैसे कि बताया इसमें USB 3.0 है, तो इसमें आपको हाईएस्ट स्पीड मिलने वाली है आपकी कार्ड की। तो ये केबल क्रिएशन की तरफ से, अगर आपको उसको खरीदना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फटाफट से मैं इसको इसके पैकेट में से बाहर निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा कार्ड रीडर ऑल इन वन वाला, जो कि मैं आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरह की इसकी क्वालिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसका एक ये पैकेट लगा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें डिज़ाइन दे रखा है, एक साइड इसमें मैट फिनिश दे रखी है और एक साइड इसमें ग्लॉसी फिनिश आपको देखने को मिलेगी, और केबल क्रिएशन की ब्रांडिंग दे रखी है। यहाँ पर होल है ताकि इसमें एयर वगैरह पास हो जाए। तो डिज़ाइन दिखने में काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर आपको कार्ड देख सकते हैं किस टाइप के आप कार्ड्स लगा सकते हैं। CF कार्ड, MS कार्ड लगा सकते हो, TF कार्ड लगा सकते हो, जो कि आपका माइक्रो SD कार्ड होता है, और जो आपका नॉर्मल बड़ा वाला SD कार्ड होता है वो इसमें आप लगा सकते हो। तो सभी तरह के इसमें कार्ड इसमें लग जाते हैं, और जैसे कि बताया इसमें आपको USB 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो ये आप देख सकते हो, ये USB 3.0 इसमें आपको देखने को मिलता है, मतलब आपके कार्ड की हाईएस्ट स्पीड देखने को मिलेगी, जो भी आपके कार्ड की स्पीड होगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और इसमें गोल्ड प्लेटेड इसमें कुछ दे रखा है, जो कि इसको और काफ़ी क्वालिटी को इम्प्रूव करके देता है। तो इस तरह की इसकी केबल की क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो ये तो इसका डिज़ाइन है, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, इसको मैं अभी आपको यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। तो इसकी जो केबल है ये भी काफ़ी हैवी दे रखा है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इसका केबल है, और अच्छी क्वालिटी में आपको देखने को मिलता है, मतलब आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, और आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और फिर इसके बाद आपको शायद कोई और कार्ड रीडर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पूरा कार्ड हब है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि इसमें आपको ब्लू पोर्ट देखने को मिलता है USB 3.0 वाला, तो अगर आपको हाईएस्ट स्पीड चाहिए तो USB 3.0 में लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको लगाकर दिखा देता हूँ। तो ये मैंने अपने USB 3.0 वाले पोर्ट में ही इसको लगा दिया है। तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर का इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर मैं आपको एक माइक्रो SD कार्ड लगाकर दिखा देता हूँ, जैसे कि ये रहा मेरे पास, और मैं इसको यहाँ पर आपको लगाकर दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर लगा दिया, और इस तरह से यहाँ पर एक और आपको एक कार्ड देखने को मिलेगा, जो कि आप कुछ इस तरह से लगा सकते हैं, जो कि आपके कैमरे वगैरह में लगता है। तो इस तरह से SD कार्ड को आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो इस तरह से कार्ड रीडर है, यहाँ पर आपको कार्ड हब देखने को मिलता है, जो कि आप अलग अलग तरह से लगा सकते हो। तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर इसको खरीद सकते हो। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ब्रांडेड आपको ये यहाँ पर कार्ड हब देखने को मिलता है। ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये वीडियोज़ दिख रही है, आप ये वीडियोज़ भी देख सकते हो।